दिस इज मेघा एंड वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मकर संक्रांति विशेष के लिए एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, जिससे कि आप किसी के भी पिक्चर से मकर संक्रांति विशेष के लिए ऐसे वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ। इसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पे क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो की रेशियो को ले लेंगे, तो 1:1 वाली रेशियो को ले लेनी है। अब मीडिया पे क्लिक करके वीडियो में टोटल 7 पिक्चर्स को ऐड कर लेंगे एंड अब इन सब में स्टार्ट पोजीशन एंड एंड पोजीशन को ऐड करेंगे। एंड अब इन सब में ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड करनी है, तो गेट मोड में आ जानी है एंड आउट स्पीड स्पिल्ड वाली इफेक्ट को डाउनलोड करनी है। तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर लिया है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इसमें फर्स्ट नंबर वाली इफेक्ट को ऐड कर लेंगे, तो सारे में ऐड कर लेते हैं। पहले वाले में फर्स्ट हो चुका है, तो अभी करेंगे सेकेंड। एंड इसके बाद थर्ड नहीं करना है, फोर्थ एंड लास्ट फिफ्थ। तो इसी तरह से सब में कर लेते हैं। और इसको रखना है 30 सेकेंड एंड अब इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद बैक आ जानी है एंड फिर से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर से वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब 9:16 वाली रेशियो को सेलेक्ट करनी है एंड अब मीडिया पे क्लिक करके जो वीडियो अभी एक्सपोर्ट हुआ है उसको इसमें ऐड करेंगे एंड इसको पूरे स्क्रीन पे फिट करना है एंड इसको इक्वल रखनी है एंड इसके वेगनेट को कर लेंगे ऑन। एंड अब इसमें ब्लर वाली इफेक्ट को ऐड करनी है, इसको पूरे स्क्रीन पे फिट करना है एंड सेटिंग्स में आके इसको 4 रख लेंगे एंड इसको एंड तक रख लेते हैं। एंड अब यहाँ पे ऐड करनी है टेम्पलेट वीडियो को, इसको भी पूरे स्क्रीन पे फिट करना है एंड इसको करेंगे ब्लेंड, तो इसको स्क्रीन करनी है। एंड अब जो वीडियो मीडिया में है इसको डुप्लीकेट एज लेयर कर लेंगे एंड इसको करना है क्रॉप। मास्क को एनेबल करेंगे एंड टेम्पलेट वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे एंड इस पिक्चर वाली वीडियो को इस फ्रेम में रख लेंगे। ओके, एंड जहाँ तक टेम्पलेट वीडियो है वहाँ तक वीडियो को रखनी है एंड लास्ट से बैकग्राउंड को राइट साइड में ट्रिम कर लेंगे। एंड अब यहाँ पे दो और फ्रेम है, पतंग वाली फ्रेम, इसमें पिक्चर्स को ऐड करेंगे, इसको क्रॉप कर लेंगे एंड टेम्पलेट वीडियो को करना है ब्रिंग टू फ्रंट एंड इस पिक्चर को रख लेंगे इस फ्रेम में। और इसको लास्ट तक रख लेते हैं। तो इसी तरह से आप लोग सेकंड फ्रेम में भी पिक्चर को ऐड कर लीजिएगा, मैं इसको भी रहने देती हूँ।
तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये वीडियो पूरी तरह से क्रिएट हो चुकी है एंड सॉन्ग इसमें ऑलरेडी ऐड है। और अगर आप लोग सॉन्ग चेंज करना चाहते हो तो आप लोग टेम्पलेट वीडियो के साउंड को ऑफ कर लीजिएगा एंड इसके बाद ऑडियो में आके आप अपनी फाइल से कोई भी सॉन्ग इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो के साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी अदर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।